News 18, India. मोदी की केंद्र सरकार को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर बनाई एक एनडी गठबंधन की दीवार, लेकिन इससे पहले कि ये विपक्ष की तैयार होती दीवार साफ दिखाई दी, इसमें एक के बाद एक कई बड़ी दरार, और अब तक की दिखी है तीन बड़ी दरार। सबसे बड़ी दरार दिखाई दी पश्चिम बंगाल के छोर से, जहां ममता बनर्जी ने सीधे ऐलान कर दिया कि वो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का गठबंधन करने नहीं जा रही है साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। अपने दम पर ही टीएमसी अकेले पश्चिम बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है, साथ ही साथ एनडी गठबंधन के लिए भी ये सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ी दरार इसीलिए भी है क्योंकि माना यह गया, ममता बनर्जी की ओर से दावा भी यह हुआ कि दरअसल इसे INDIA नाम देने का प्रस्ताव ही ममता बनर्जी की तरफ से आया था, और अब उनकी ही अनदेखी होने लगी है। और ये बात खुद ममता बनर्जी ने सार्वजनिक तौर पर कह दी कि इस गठबंधन में वो किसी भी तरह कम्युनिस्ट पार्टी की राय पर अमल नहीं करने वाले हैं, और कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर के अब इस पूरे एनडी गठबंधन को ओन करते दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए एक बड़ी नाराजगी ममता बनर्जी ने जाहिर कर दी और ऐलान कर दिया कि कांग्रेस से तो कम से कम पश्चिम बंगाल में कोई गठबंधन टीएमसी नहीं कर रही है, अपने दम पर वो पश्चिम बंगाल का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि राहुल गांधी अगर अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पश्चिम बंगाल में दाखिल हो रहे थे तो मैं यहां की सूबे की मुख्यमंत्री हूं, मुझे कोई औपचारिक जानकारी ही इसकी नहीं दी गई। ऊपर से एनडी गठबंधन को मजबूत करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन उनकी सार्वजनिक तौर पर अनदेखी हो रही है, और एक बड़ी दरार सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी और टीएमसी के बीच दिखाई दी, जो एक बड़ा झटका एनडी गठबंधन और सीधे कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। वहीं एक और बड़ी दरार उत्तर में पंजाब की ओर से दिखाई दी इस एनडी गठबंधन की दीवार पर। दरअसल ये एनडी गठबंधन सीटों का बंटवारा करता, लोकसभा चुनाव में उतरता केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, और ये दीवार इससे पहले की मजबूती से खड़ी होती, एक के बाद एक इसमें दरारें दिखाई देने लगी। और दूसरा बड़ा क्रैक दीवार में, दरार पंजाब में दिखाई दिया, जहां भगवंत मान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधे ऐलान कर दिया कि पंजाब की सभी लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं होगा। एनडी गठबंधन में तीसरी और बड़ी दरार दिखाई दी बिहार में, और इसकी गूंज तो लोगों ने सुनी भी। दरअसल मंच से ही नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर बड़ा हमला बोला। मौका था कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी समारोह का, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दे दिया कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला मोदी सरकार ने किया है। लेकिन यहीं से परिवारवाद को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने परिवार को आगे बढ़ाने की नहीं सोची। लेकिन आज सियासत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी ही परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, और माना जा रहा है कि ये बगैर नाम लिए किया गया हमला अपने ही साथी घटक दल RJD की ओर हो सकता है और कांग्रेस के ऊपर भी, और ये लाइन BJP की लाइन है, परिवारवाद पर बड़ा हमला करना। ऐसे में नीतीश कुमार के इस बयान ने ना सिर्फ उनकी भविष्य की सियासत जिसकी अटकलें लगाई जा रही है उस ओर अपने संकेत भी दे दिए, बल्कि एनडी गठबंधन को एक तगड़ा झटका भी दिया है।